तो हेलो दोस्तों, कैसे भाई आप सब गाइज़। यहाँ पे देख सकते हो आप, स्विगी जो फूड डिलीवरी का ऐप होता है उसमें मैं ऑनलाइन हूँ, यानी स्विगी फूड डिलीवरी भाई आज मैं काम कर रहा हूँ। और यहाँ पर स्क्रीन पे आप देखोगे तो एक्स्ट्रा 55 रुपये पर ऑर्डर लिखा है, यानी कि स्विगी के हर फूड डिलीवरी ऑर्डर करने पर मुझे एक्स्ट्रा 55 रुपये यहाँ पर मिलेगा। तो देखते हैं भाई ये जो 55 रुपये एक्स्ट्रा लिखा है ये मिलता है कि नहीं, और मैं बस वेट ही कर रहा हूँ ऑर्डर कितनी देर में आएगा। और मैंने यहाँ पे देखो भाई माई शिफ्ट में चल के दिखाता हूँ, मैंने शिफ्ट बुक कर रखी है। इसमें स्विगी फूड डिलीवरी में काम करने के लिए शिफ्ट बुक करनी होती है, तो यहाँ पे मैंने 7 से 11 जो 4 घंटे की शिफ्ट है स्क्रीनशॉट इसका मैं डाल दूंगा, ये मैंने एक बुक कर रखी है। इसमें काफ़ी दिनों के बाद काम कर रहा हूँ, हो सकता है कंपनी लॉलीपॉप दे रही हो। भाई आ ही गया ऑर्डर, देख रहे हो कितना 7 किलोमीटर का ऑर्डर है भाई, उसमें 80 रुपये दिखा रहा है भाई, बहुत तगड़ी अर्निंग दिखा रहा है। वृंदावन ढाबा तिम्बकतू ये रेस्टोरेंट का नाम है। चलो मैं ऑर्डर को एक्सेप्ट करता हूँ। तो चलो गाइस, मैंने काम शुरू किया और 5 मिनट के अंदर भाई मेरे पास ऑर्डर आ गया, तो अच्छा है भाई। रात के समय यही होता है, रात के समय जोमेटो स्विगी दोनों बहुत ज़्यादा ऑर्डर होते हैं। और क्या है यार ये ज़िंदगी, मतलब क्या है ये, क्या चल रहा है, इतनी भी मत पियो यार कि साला तुम्हारे घर वाले इंतज़ार कर रहे हो और तुम सारा रोड की धूल चाट रहे हो भाई, इतनी दारू पी रखी रोड पर पड़ा है। तो गाइस ये रहा रेस्टोरेंट भाई, भयंकर भीड़ है भाई रेस्टोरेंट पे, देख रहे हो कितने सारे ऑर्डर हैं भाई, मतलब बहुत ज़्यादा जो है ऑर्डर हैं आज। और भीड़ भाई क्या भीड़ लगी, देखो अपने स्विगी वाले भाइयों की और जोमेटो वाले भाइयों की। चलो अपन देखते हैं ऑर्डर अभी तक रेडी हुआ है कि नहीं। सेल्फी आ गई, ठीक है पहले सेल्फी दे देते हैं। चलो हेलमेट हटाना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए मुझे। तो गाइस सेल्फी दे दी, सेल्फी देने के बाद अब देखते हैं रेडी हुआ कि नहीं ऑर्डर। तो चलो गाइस ये ऑर्डर था भाई, ऑर्डर मिल चुका है, पराठे मराठे रोटी रोटी भाई पूरी। और इसको मैंने रख लिया भाई बैग में, लगाते हैं डिग्गी और फटाफट से चलते हैं इसको डिलीवर करने। जी ब्रदर, चूनाभट्टी रोड यहाँ से जाओगे ना सीधा चूनाभट्टी लगेगा, मुड़ना कहीं नहीं, सीधे ही जाना बस। चलो भाई जोमेटो वाले भाई एड्रेस पूछ रहे थे, एड्रेस बता दिया। अब अपने को मुड़ने का रास्ता, क्या अपन यहाँ से निकल जाएंगे भाई, कोशिश की जाएगी निकलने की पूरी पूरी, जगह तो है नहीं बट हाँ भाई निकल गए। वाँ 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 वाँ। भाई 8-10 कुत्ते एक साथ, गाइस स्कूटर अपनी 65 की स्पीड में भाग रही है भाई। रोड अच्छा हो तो ऑर्डर को डिलीवर करने में ज़्यादा समय लगता ही नहीं है, हालांकि गाड़ी आराम से ही चलाएं, रोड अच्छा है इसलिए मैंने थोड़ा तेज़ चलाया था, अभी रोड बेकार आ गया, सामने कुछ नहीं दिख रहा था, मैंने वहीं से लोकल ली गाड़ी, वहाँ लाइट भी अच्छी थी, रोड भी खाली था तो थोड़ा तेज़ चला लिया था। और अभी भाई क्या है, ट्रक वगैरह छूटने का समय हो गया, ये देख सकते हो कितने ट्रक ही ट्रक छूट रहे हैं लाइन बार, तो रोड पर पूरी धूल धूल भी कर दी इन्हें, और यहाँ उजाला भी नहीं, तो इसलिए भाई 30 की स्पीड में ही चलो, कोई मतलब नहीं है, पीछे भी देख लो कोई आ तो नहीं रहा, नहीं आ रहा। चलो ये कार को थोड़ा सा ओवरटेक करो, अभी डंपर ट्रक ये दिखते रहेंगे भाई थोड़ी देर, और आगे से ही मुड़ना भाई थोड़े ही आगे जाके, और उसी गली में जो है ऑर्डर देना है। तो चलो बस पहुंचने वाले हैं अपन जहाँ से अपने को अंदर मुड़ना है, सामने जा रही कौन सी, किया सेल्टोस, गाने बजा रहा भाई इसकी बहन की, मज़े मज़े, कॉपीराइट आ जाएगा इसलिए अपन तेज आ गए भाई। चलो अब इस गली में अपने को अंदर चलना भाई, यहाँ कुछ दिन पहले बहुत बड़े बड़े गिट्टे डले थे भाई, ये चलो अच्छा रहा बीच में पतला पतला मुरम डाल दिया, वरना दिक्कत होती थी भाई गाड़ी चलाने में। तो इसी गली में ज़्यादा दूर नहीं है ऑर्डर को, अभी कितनी चल गई गाड़ी 5.1 किलोमीटर, मैं आपको रुक के स्क्रीनशॉट डाल दूँगा, तो 5.1 अभी चल गई है। आगे देखते हैं अपन टोटल डेस्ट, मतलब ऑर्डर जहाँ देना है वहाँ पहुँचने तक कितना चलती है। 1 किलोमीटर तो अपन रेस्टोरेंट लेने गए थे पार्सल को, और वहाँ की रहेगा जितना भी चलता है गाड़ी, फिर अपन टोटल जोड़ते हैं कितने किलोमीटर था इस ऑर्डर में, मतलब रेस्टोरेंट तक जाने में और रेस्टोरेंट से ऑर्डर लाने तक कस्टमर के यहाँ।
टोटल कितने किलोमीटर गाड़ी चली और टोटल कितने पैसे जो है अपने को मिले। 80 रुपये स्क्रीन पर दिखाया था, वही मिल जाए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। लगभग 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर के 80 रुपये यानी 10-12 रुपये पर किलोमीटर मिल गया। गाइस यहीं कहीं पार्सल देना मुझे, मैं देखता हूँ लोकेशन मोबाइल में और कस्टमर को फिर अपन करते हैं कॉल। अगर एड्रेस नहीं मिलेगा तो, और एड्रेस मिल जाएगा तो कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं, डायरेक्ट नीचे पहुंच जाएंगे घर के। चलो मैप खोला भाई मैंने, यहाँ पे मैप खोलने के बाद यहाँ पर यू है पर ऐप तो दिखा रहा, पर जाना किधर ये तो पता ही नहीं। इसमें जाना भाई, इसके अंदर आई थिंक सो। और यहाँ पर मैंने रीच कस्टमर लोकेशन किया, मैंने बोल रहा है कि मेरी बहुत ज़्यादा कैश लिमिट है, इसको जमा कराना पड़ेगा। ओके इसको जमा कर देंगे। और गाइस यहाँ पर मेरी गाड़ी चली 5.9 किलोमीटर, एग्जैक्ट 6 किलोमीटर मान लो आप, 6 किलोमीटर ऐसे चली गाड़ी और 1 किलोमीटर रेस्टोरेंट तक जाने में चली, टोटल 7 किलोमीटर का ऑर्डर था वही। ये सर्विस फिर कब तक रहती है आपको, कब जाना पड़ता है? ये ऑल नाइट सर, पूरा पूरा नहीं, हाँ बस रात में क्या रहता है, हो सकता है ऑर्डर थोड़ा सा डिले हो, पर पूरी रात चलता है। तो गाइस मैंने कस्टमर को दे दिया पार्सल, उन्होंने मुझे कैश पेमेंट जो है किया। तो कैश पेमेंट करने के लिए यहाँ पे भाई दोबारा कैश डालना पड़ता है, तो कैश मैंने दोबारा एंटर मार दिया और कलेक्ट कैश कंटिन्यू। और यहाँ पर डिलीवरी कंप्लीट का ऑप्शन है, इस पर अपन ओके करते हैं। कंफर्म ऑर्डर अपन ने दे दिया कस्टमर को। और यहाँ पर भाई जितना पैसा दिखा रहा था उतना ही बनना चाहिए गाइस, 80 रुपये बने, जितना दिखा रहा था उतना ही पैसा मिला। और 7 किलोमीटर इसमें जो है अपनी गाड़ी चली, तो मैं आपको दिखाऊं कैलकुलेटर में, तो यहाँ पे देखोगे आप भाई 80 रुपये अपने को मिला। और इसमें अपन डिवाइड करें 7 का तो लगभग 11.42, लगभग 11.5 रुपये पर किलोमीटर का अपने को इसमें पैसा मिला। तो गाइस इस तरह से अगर 55 रुपये हर ऑर्डर पे मिलता रहा तो भाई स्विगी डिलीवरी बॉय तो अमीर हो जाएंगे। तो चलो गाइस मैं एक आध ऑर्डर और करूँगा और उसके बाद घर निकल जाऊँगा, क्योंकि समय क्या हो गया 11:40। तो ऐसा कुछ रहा भाई आज का ये वीडियो। अब देखते हैं ये 55 रुपये अपने को कितने दिन तक मिलते हैं, मतलब आज ही आज दे रहा है या बाद में भी कभी देगा। अभी देखो अभी तो 55 रुपये एक्स्ट्रा अभी भी आ रहा है। और यहाँ पर मेरी कैश लिमिट ख़त्म हो गई है, तो चलो मैं कैश भी डाल देता हूँ। देखो क्या होता है, जो अपने कैश मिलता है ना भाई उसको जमा कराना पड़ता है। यहाँ पे देख सकते हो आप 1700 रुपये कुछ जो है मुझे यहाँ पे मेरी, मतलब मेरे, मैं स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ, इसमें दिखता था नहीं GoPro में, तो 1700 रुपये मेरे पास कैश हो गया। और मिल लिमिट है 1549, तो लगभग मुझे 200 रुपये इसमें डालना पड़ेंगे, मेरे पास दूसरा फ़ोन है। तो मैं डिपॉजिट में जाता हूँ और यहाँ पर मैं अमाउंट डाल देता हूँ 300 रुपये, ताकि मेरी लिमिट प्रॉपर आ जाए वापस। और मैं यहाँ पे UPI डाल दूँगा, इस फ़ोन पे रिक्वेस्ट आ जाएगी। तो गाइस मैंने इस फ़ोन में UPI डाल दी, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट आ गई 300 रुपये की, देख सकते हो आप। तो ये मैं पेमेंट कर देता हूँ चलो। और गाइस यहाँ पे 300 रुपये का पेमेंट सक्सेसफुल है। अभी देखो मेरे पास कैश कितना हो गया, फ्लोटिंग लिमिट अभी स्क्रीनशॉट डालता हूँ ये फिर से मैं। तो अभी मेरी लिमिट है 1549 और कैश बैलेंस मेरे पास है 1441। तो अब मैं जो है स्विगी में दोबारा से काम शुरू कर सकता हूँ, मैं आपको देखो दिखाता हूँ। तो इस तरह से जो भी अपने कैश मिलता है, अगर एक्स्ट्रा कैश होता है तो अपन उसको जमा कर सकते हैं, इससे अपनी आईडी बंद नहीं होती। अगर एक्स्ट्रा कैश हो जाता है तो अपनी आईडी बंद हो जाती है। देखो यहाँ पर वापस से मैं स्विगी में ऑनलाइन कर सकता हूँ, ये देखो। अभी मुझे शिफ्ट बुक करनी पड़ेगी, क्योंकि शिफ्ट ख़त्म हो गई, मेरी शिफ्ट जो है 11 बजे तक की थी। तो एक शिफ्ट और बुक करता हूँ मैं, एक आधा ऑर्डर और कर देता हूँ मैं 11 से 12 AM वाली। तो शिफ्ट बुक हो गई है और अब अपन फिर से ऑनलाइन जाते हैं। मैं आपको कैश डालने के बाद ऑनलाइन करना दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर ऑनलाइन लिखा है, इस पर अपन ओके करते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे भाई मैं ऑनलाइन हो चुका हूँ और अभी भी 55 रुपये हर ऑर्डर पे एक्स्ट्रा दिखा रहा है। तो गाइस एक ऑर्डर और आ गया, ये देखिए 80 रुपये का। तो चलो इसको अपन पिक करते हैं भाई, और ये है वृंदावन ढाबा से। तो 80 रुपये इस ऑर्डर में और 80 रुपये वो, तो 160 रुपये मेरे भाई लगभग एक घंटे में 160 रुपये बन चुके हैं। तो मेरा आज का पूरा दिन का खर्चा ये दो ऑर्डर में निकल गया भाई, ये मान लो 160 रुपये इतना ही है भाई, ज़्यादा अपना है नहीं। तो चलिए गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, अब मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। तो चलिए भाई बाय, और मैं वीडियो बंद करता हूँ।